तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाय क्लासेस पर। तो लास्ट टू पार्ट में हमने कुछ नियम पढ़ लिए थे नरेशंस के। हमने उधर का पास्ट जो दो पार्ट बताए थे हमने, स्पीच के डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो पिछले पार्ट में हमने रिपोर्टिंग स्पीच के पूरे नियम पढ़ लिए थे कनेक्टिव तक। आज हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स और उनके एग्जाम्पल। तो पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर करो ताकि वो भी घर बैठे ही अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सके। तो बढ़ते हैं हम आगे। देखो, रूल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच में हमने देखा था कि रिपोर्टिंग स्पीच में कितने परिवर्तन होते हैं, दो परिवर्तन होते हैं, और जबकि रिपोर्टेड स्पीच में तीन परिवर्तन होते हैं और एक परिवर्तन होता है कनेक्टिव का। इट मीन्स देर आर ओनली टोटल सिक्स चेंजेस हैव टू बी डन वाइल मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, तो रूल ऑफ रिपोर्टेड में हम तीन परिवर्तन करते हैं, है ना, और रिपोर्टिंग स्पीच में दो। तो रूल फर्स्ट है, इसमें तीन परिवर्तन होते हैं। पहला चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टाइम एंड स्पेस, तीसरा चेंज ऑफ टेंस। तो तीन परिवर्तन होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। इसके अलावा देखो दूसरा कौन सा है, रूल ऑफ पर्सन। ये पर्सन है ना, अब इस पर्सन को तीन तरीके से बदल देंगे हम। फर्स्ट पर्सन अलग तरीके से बदलेगा, सेकंड अलग से बदलेगा, और थर्ड नहीं बदलेगा। तो उसी की डिटेल्स हैं। देखो, फर्स्ट पर्सन अगर आता है रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किसके, रिपोर्टिंग स्पीच का। जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वो बदल जाएगा। उसी प्रकार से अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के। और अगर मान लो थर्ड पर्सन आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है ये, इसको स्टार लगा लेता हूँ मैं, याद रखना इसको, इसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं। तो इसमें देखो रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, सेकंड फॉर्म आए रिपोर्टिंग स्पीच में, किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड फॉर्म आएगी तभी हम टेंस का परिवर्तन करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। बहुत से बच्चे इस सेकंड फॉर्म को नोटिस नहीं करते और वो टेंस परिवर्तित कर देते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, ये ध्यान रखना आप कि अगर सेकंड फॉर्म आती है रिपोर्टिंग स्पीच में तभी हम रिपोर्टेड इसमें टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स हो गए। अब बढ़ते हैं हम एग्जांपल की ओर। तो देखिए, इसके तीनों पर्सन के हमने तीनों उदाहरण लिख लिए हैं। देखो कैसे क्या होता है कि देखो सी, अब हमने पता है इधर दो परिवर्तन करना है, इधर तीन करना है और इधर एक करना है, यानी टोटल छह परिवर्तन होंगे। ठीक, देखो तो सी का तो सी रहने वाला है, अब से इसको कहाँ चला जाएगा, टेंस में। लेकिन मैंने क्या बताया था, दो परिवर्तन, इसकी दो कंडीशन है परिवर्तन की, या तो इसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा या टू मिलेगा। ठीक, या फिर ये दोनों नहीं मिलेंगे, इधर सेकंड पर्सन देखना है ना। जिसको समझ में नहीं आया पिछले वाला वीडियो देख लेना। सेस कहाँ जाता है, टेल्स में। अभी टेल्स में कैसे गया मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, टू हट जाएगा और ये मी कनेक्टिव दैट हो गया। अब आज जो हमने पढ़े कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये फर्स्ट पर्सन है, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होते हैं पिछले वीडियो में देखे। तो फर्स्ट पर्सन की पहचान कैसे, देखो फर्स्ट हम ऐसे लिखते हैं, है ना, रोमन संख्या में। तो फर्स्ट ये रहा फर्स्ट, तो फर्स्ट पर्सन को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट हम ऐसे लिखते हैं तो फर्स्ट का फर्स्ट पर्सन यही हो गया। तो फर्स्ट पर्सन बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, सी, तो ये हो गया सी। अब टेंस परिवर्तन करना है, दूसरा परिवर्तन। अब टेंस परिवर्तन होता भी है और नहीं भी होता, वो डिपेंड करता है रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ब पर, जिधर रिपोर्टिंग वर्ब है ना इस पर। अगर यहां पर सेकंड फॉर्म आएगी तभी टेंस चेंज करेंगे। व्हाट एम आई सेइंग, कि यहां पर सेकंड फॉर्म आएगी तो टेंस चेंज होगा, और यहां सेकंड फॉर्म नहीं आएगी तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये देखो सेस कौन सी फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म है, ये है ना। तो फिफ्थ फॉर्म, फॉर्म कितनी होती है, पांच। अब फॉर्म कैसे कैसे होती है, टेंस के पार्ट फर्स्ट में बता रखा है मैंने सब, है ना, वहां देख लेना। तो सी टेल्स मी दैट सी, अब टेंस परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इधर सेकंड फॉर्म नहीं आई, तो ये जो टेंस है, हैड टू, हैड टू
कंप्लीट, जिसको पोएम बदल देंगे दैट में, और पोएम का पोएम, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे। ठीक, दूसरा उदाहरण है हमारे पास हर फादर का, तो हर फादर ही रहेगा। सेड, आप देखो सेड, अब सेड के बाद यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा रिपोर्टेड स्पीच पे। तो आप ये मत सोचना कि बहुत से ये बताते हैं कि टू आएगा तो चेंज होगा, टू नहीं आएगा तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टू पर डिपेंड करता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं करता, तो टू तो नहीं है तो इसलिए चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसके अलावा एक कंडीशन और है कि इधर सेकंड पर्सन तो नहीं है कहीं, अगर सेकंड पर्सन है तो चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर यू सेकंड फोर पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है तो हमें सेड को चेंज करना पड़ेगा। अब सेड कहाँ में जाता है, टोल्ड, पिछले वीडियो में बता रखा है मैंने किसको किस में बदलते हैं, तो आप इसीलिए कह रहा हूं मैं पिछला वीडियो देखें, टोल्ड। अब टोल्ड चेंज कर दिया, अब ये ध्यान रखना हमेशा आपको कि जब भी मैं रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट हमें लेना ही पड़ेगा, 100% लेना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, अब ऑब्जेक्ट लेना है हमें, तो ऑब्जेक्ट कैसे लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे हम इधर से, जो ये सब्जेक्ट है इसी का, उधर नहीं जाना, इसका जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट को छोड़कर बाकी बचे जितने भी ऑब्जेक्ट उनमें से कोई सा भी ले लेंगे। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, हर फादर। अब मैंने हर फादर इसलिए लिया है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, केवल हर को मान लेते हैं। अब ये हर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर हर फादर है सब्जेक्ट, तो हर फादर सब्जेक्ट है तो कौन हो गया, फादर मेल हो गया, मेल का मतलब ही, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया ही। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो हिम ऑब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट बटे बचे उनमें से कोई सा भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ही का हिम छोड़ दो, भाई कोई सा मान लो, आई का मी मान लो, यू का यू मान लो, और शी का हर मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे मैंने मान लिया यहां पर मी मान लिया, क्या मान लिया मैंने, मी, ये मान लिया मैंने मी। और ये ध्यान रखना ब्रैकेट में लिखना ऑब्जेक्ट जो मानो आप, उससे ये हो जाता है कि भाई यहां पर इसने जहां ब्रैकेट ये शो कर रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया है नहीं उसमें। ठीक है, तो ये मी मान लिया। अब कनेक्टिव क्या आएगा, दैट, कनेक्टिव का यूज किससे करते हैं अपन, सेंटेंस कौन सा, सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव, ये दैट। अब पहचानेंगे कैसे ये दैट, ये असर्टिव सेंटेंस है, बता दिया मैंने पिछले वीडियो में ना, पिछले वीडियो में देख ले आप, तो दैट अभी सेकंड पर्सन आ गया। अब सेकंड पर्सन आ गया यू, तो सेकंड पर्सन को काय के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, पहला उधर से पहला, इधर दूसरा आएगा तो इधर का दूसरा। ठीक, तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या माना हमने, मी। अब ये इसकी फॉर्म भी वही लिखनी है हमें जो यहाँ पर फॉर्म है। अब सब्जेक्ट यू कौन सा है, कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है क्योंकि मेन वर्ड से पहले आता है तो सब्जेक्ट, मेन वर्ड के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब है 3 किलोमीटर दूर है ना, तो इससे पहले आ गए तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट हो गया तो मी का भी हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। अब टेंस चेंज, दूसरा परिवर्तन करना है हमें टेंस। अब टेंस परिवर्तन करना है तो इधर देखेंगे सेकंड फॉर्म है, इधर बिल्कुल सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पर सेड। अब सेकंड फॉर्म आ गए तो टेंस बदलेंगे, और सेकंड फॉर्म नहीं आती तो टेंस नहीं बदलते। तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ गया, अभी कौन सा टेंस है, यू हैव नॉट डन दिस वर्क, दिस टास्क येट, आपने अभी तक ये कार्य नहीं किया, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे पहचानते हैं, बता रखा है मैंने टेंस के पार्ट फर्स्ट में, उसको देखिए आप, तो आई हैव कहां जाएगा, हेड में, हैड नॉट डन, जिसको कहा बदल देंगे दैट में, और टास्क का टास्क, और येट का येट, ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन का, इसमें फर्स्ट पर्सन हो गया, इसमें सेकंड पर्सन हो गया। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पर्सन की ओर, थर्ड पर्सन में क्या करते हैं, सेंटेंस क्या कह रहा है, यू का यू, ठीक, सेड को कहां बदलेंगे, टोल्ड में, मी हट जाएगा, सॉरी टू हट जाएगा, और मी का मी। अब कनेक्टिव का यूज करना है हमें दोनों को जोड़ने की, अब कनेक्टिव का यूज करते हैं तो सेंटेंस देखते हैं, असर्टिव है, असर्टिव में आता है दैट, ठीक।
अब करना है हमें रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन तीन। अब तीन परिवर्तन करने हैं। इधर देखो, ये सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन करते हैं, तो रोहन कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, क्योंकि आई वी और यू को छोड़कर जो भी आएगा सारे थर्ड पर्सन होते हैं, है ना। तो ये थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन क्या कहता है? नो चेंज। तो रोहन का रोहन ही रह जाएगा, ये रोहन। और टेंस चेंज करना है कि नहीं करना है? देखो इधर, ये सेकंड फॉर्म आ गई, तो सेकंड फॉर्म आ गई, टेंस बदलेगा। अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, समझ जाना इसको। टेंस की पेज इसीलिए कह रहा हूं मैं, टेंस का वीडियो देख लो आप, पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू अपने चैनल का, जो लोगो दिखाई दे रहा है उस पर टैप करें, आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी पूरी, और वहां से आप टेंस का पार्ट फर्स्ट और टेंस का पार्ट टू देखें, ताकि आपको टेंस पहचानने में आ जाए। टेंस को पहचानना बहुत जरूरी है ग्रामर का कोई सा भी टॉपिक पढ़ने के लिए, और ये तो फिर वैसे ही बहुत हार्ड है, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है, मैंने वहां एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में वाज बढ़ाता है, तो ये आ गया वाज, वेरी गुड का गुड, बॉय और नाउ का देन। ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड जो तीन पर्सन होते हैं, तीनों पर्सन को चेंज हमने करना सीख लिया, और जो टेंस का रूल था परिवर्तन कब करते हैं वो चार नियम देख लिए हमने, है ना। जो रिपोर्टेड स्पीच के तीन परिवर्तन है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टाइम एंड स्पेस और चेंज ऑफ टेंस, इन तीनों परिवर्तन को हमने इसमें सीख लिया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के में, और पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा इसलिए कर रहे हैं अपन तो ताकि क्या हो, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, बड़ा वीडियो होता है तो आप देख नहीं पाते हो, जोर आता है आपको देखने में, इसलिए हम इसके पार्ट ज्यादा बना लेंगे, लेकिन वीडियो हम छोटे छोटे ही बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा आज कौन सा हो गया? असर्टिव सेंटेंस का रिपोर्टिंग स्पीच भी हो गया, कनेक्टिव भी हो गया, रिपोर्टेड स्पीच के जो परिवर्तन होते हैं तीन, उन परिवर्तन को भी हमने आज सीख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो नरेशन का ये पार्ट पढ़ाया गया है आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी जो नई वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।